मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? सब ठीक है? तो कल हमने कक्षा 4 की जो हिंदी पाठ्य पुस्तक आपकी अनामिका है उसका पहला पाठ हमने पढ़ चुके हैं। पहला पाठ पढ़ लिया है आप? पाठ हमने पढ़ लिया है पहला। आपके पहले पाठ का नाम बताइए क्या है? किरण। क्या है आपके पाठ का नाम? किरण। ठीक है, आपके पाठ का नाम किरण है, आपने पढ़ लिया है। अब आज हम क्या करेंगे इसके, इस पाठ के कठिन शब्द लिखेंगे। क्या करेंगे आज हम इसके कठिन शब्द? ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक हिंदी की जो दो है, दो आपकी है कॉपी, उसमें एक आपको इसे हिंदी की बनानी है, एक आपको व्याकरण की बनानी है। जो हिंदी की है वह आप निकाल लीजिए और आपको क्या करना है उसमें कठिन शब्द लिखने हैं। तो निकालिए सभी बच्चे। आपको ऐसे पेज में आपको पहले पार्ट का नाम लिखना है, सॉरी पहले पार्ट लिखना है एक, फिर क्या लिखेंगे आप? पार्ट का नाम। ऐसे ऊपर पार्ट पहला, फिर आप उसका नाम लिखोगे, फिर आप जो भी काम कर रहे हो स्टार्ट करेंगे उसकी पहले आप हेडिंग डालेंगे, क्या काम करने जा रहे हैं। तो अपने क्या कर रहे हैं, क्या लिखेंगे आज? पार्ट एक के कठिन शब्द। क्या लिखेंगे? पार्ट एक के कठिन शब्द। तो आपको नंबर डालना है, पहले आप नंबरिंग करेंगे फिर आप लिखोगे कठिन शब्द। ठीक है, अब लिख लीजिए आप किरण, लिख लीजिए किरण। पहला हो गया, फिर आप लिखिए दूसरे नंबर पर, और आपको बोलते बोलते लिखना है, वाचन करते करते लिखना है, बोल धारण करके नहीं लिखना है। दूसरा है आपका दुनिया, ऐसे बोलते बोलते लिखना है दुनिया। क्या लिखा आपने? दुनिया। फिर लिखिए तीन नंबर पर ज्योति। क्या है? ज्योति। आपको बोलते बोलते लिखना है, चुपचाप काम नहीं करना है, फिर बोल रहे हैं आपसे, क्योंकि ये आपके कठिन शब्द है इसलिए आपको बार बार उच्चारण करना होगा। आप है चार नंबर पर निराली। निराली। क्या लिखा है आपने? निराली। ठीक है, अब आपका ये लिख लिया है, आपको तो इसी के नीचे लिखना है, मैं आपको इधर लिख के बता रही हूँ, आपको इसके नीचे लिखना है। जब आपके ये पूरी लाइन हो जाती है, अब इस इधर का पेज आपका खाली है तो आप भी लिख सकते हो, ओनली कठिन शब्द में ही करना है। ऐसा शब्दार्थ जब लिखवाएंगे तब ऐसा नहीं करेंगे, आप कठिन शब्द में कर सकते हो, बीच में ये लाइन खींच लेना है, फिर पेज है एक उसमें इधर फिर इधर खाली स्पेस रहता है ना, उसमें भी आप लिख सकते हैं। फिर आपको इधर लिखना है सुनहरे। क्या लिखोगे? सुनहरे। और आपको बार बार उच्चारण करना है, बोलते बोलते लिखना है सुनहरे। फिर लिखिए आप छह नंबर पर लिखिए पत्ती। क्या लिखोगे? पत्ती। पत्ती पत्ती, दो पर आया तो दो बार लिख लीजिए। ठीक है, लिख लीजिए आप सात नंबर पर पूरा। क्या है? पूरा बुर। आगे लिखिए आठ नंबर पर सुख।
बॉक्स में इसलिए मिटा देते हैं।
लिखना है आपको मिथी, क्या लिखेंगी 17 नंबर पर मिथी, क्या लिखा आपने मिथी। अब लिखिए आप 18 नंबर पर थैला, यानी थैलाना होता है ना, बिखेरना, थैला। आप धरती, क्या लिखेंगे आप धरती, धरती लिख लिया आपने, ठीक है। 30 नंबर पर आप लिखिए सुंदर, क्या लिखेंगे सुंदर। अब जब आप कोई भी काम कर रहे हो, किसी भी पाठ का या कोई भी विषय का, हिंदी का, जैसे हिंदी पे या हिंदी व्याकरण में आपकी जो भी बात पूरी हो जाती है, आप जो भी लिखना चाह रहे हो वो आपकी पूरी हो गई है, तो फिर हम कौन से चिन्ह का प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम का। जैसे आप उत्तर देते हैं प्रश्नों का, तो हम ये वाला चिन्ह लगाते हैं, नहीं लगाते हैं, लगाते हैं ना, तो ये चिन्ह का क्या नाम है, पूर्ण विराम। आप प्रश्न के आगे मत लगा देना, है ना, प्रश्न के आगे तो प्रश्न वाचक चिन्ह ही लगता है। अगर कोई बात कह रहे हो, आप किसी का उत्तर दे रहे हो लिखित में, तो वाक्य आपका पूरा हो जाता है, तो फिर हम क्या करते हैं कि पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। अभी बात समझ में, अब ये आपके कठिन शब्द है, कौन से पाठ के, आपका पाठ पहला है किरण है, उसका है ये कठिन शब्द, आपको साफ सुथरी राइटिंग में करना है, मात्राओं की गलती नहीं करना है, और यही काम आपको दोबारा नहीं कराया जाएगा जब आप स्कूल आएंगे, यही काम आपका चेक किया जाएगा, दोबारा नहीं कराएंगे। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि आप जब भी ये काम करें, बिल्कुल कृपया साफ सुथरी राइटिंग में करें और ध्यान से करें, ठीक है, समझ में आया। और जो आपकी कविता है ये आपको याद भी करनी है, समझे ना, इस कविता को आपको याद करना है, और कठिन सब कर लिए हैं आज हमने ये किया। और आप अब अपनी डायरी निकाल लीजिए और डायरी नोट करनी है। डायरी निकालिए सभी बच्चे, आज की आपकी डायरी है हिंदी, जो आपका हिंदी है इसकी क्या किए थे हमने, कौन से पाठ थे, पाठ एक की कठिन शब्द लिखिए। आपने अभी लिख लिए हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिएगा, लेकिन आपको काम एक ही बार करना है, दो बार नहीं करना है। अभी नहीं लिखोगे तो लिखना आपका डायरी नोट दे गया है, कठिन शब्द, तो ये आपको कठिन शब्द लिखते हैं, लिख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो आप लिखिएगा जरूर, ठीक है। ये आपका डायरी नोट है, दो बार नहीं करना है। आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम कल क्या करेंगे, कठिन शब्द के बारे में जब आपको क्लास में भी काम करते थे तो हमने कैसे करते थे, पहले पाठ में क्या करते थे, कठिन शब्द, कठिन शब्द के बाद में क्या आते थे हमने शब्दार्थ, शब्दार्थ के बाद में प्रश्न उत्तर करने होते, तो अब कठिन शब्द कर लिए, इसके बाद में हम